Dean Mogul from Dudley. لأن الله نزل الكتاب आपने दही लेके आना ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी प्यारी सी दुआ के साथ जी इस चढ़ते हुए सूरज के व्यू के साथ हमने वीडियो का आगाज़ किया है, तो आपने जी वीडियो पूरी देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और हमारी वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और प्यारे प्यारे कमेंट भी करने हैं। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे जी अपनी सुबह की रूटीन। आटा मैंने गूंध लिया है और इकबाल साहब दूध लेने गए हैं और शाहजेब दही लेने गए हैं और मैं उनके आने तक बाकी का काम करती हूँ।
आ गए तैयार होके? चलो आज पहली रोटी पहला पराठा आपको मिलेगा, ठीक है? अच्छा जेब में और पहले दो दो आपने लेने हैं, चलो ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा जेब को भी छुट्टी है ना, आपा को भी छुट्टी है। ये लो बेटा, मियां मिठू, मियां मिठू, छोटे तोते, मियां मिठू, इधर एक कागज भी तो लाना था नीचे रखती, चलो नीचे जाके रख लूंगा, ठीक है।
ऐसे फिर पसीना आ जाता है ना फिर से। पापा बाइक निकाल के खड़े हुए हैं, ठीक है अल्लाह हाफिज। इकबाल साहब चले गए जी वैसे इधर को स्कूल छोड़ने के लिए, तो उनके आने तक मैं बाकी लोगों का नाश्ता भी जो है ना तैयार कर लूँगी। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता बन गया और आज हमने सर्दियों की पहली सौगात जो है वो अपने घर हम ले आए हैं, तो अल्लाह पाक खैर करे आगे जी इंशाल्लाह साग भी आएगा, पिनियाँ भी आएंगी, सर्दियों की सारी जो सौगातें होती हैं वो अभी से जहन में आने लगी हैं। तो पराठे माशाल्लाह जी बड़े अच्छे तैयार हो गए हैं। अभी इकबाल साहब को कॉल किए कि आ जाए जल्दी से, ये ना और ठंडे हो जाए। इकबाल साहब लगता है कि ये रुक गए हैं रास्ते में। आओ जी वालेकुम सलाम। ये क्या आ गया सुबह सुबह, ये कहाँ से है? मिठाई आई है जी अम्मी के घर से हसनैन लेके आया सुबह सुबह और नीचे क्या। वाह जी वाह माशाल्लाह जबरदस्त। ये के जी साग है और ऊपर मक्खन, ये कहाँ से आया हसनैन? वो आप ही खाना ले गए। आप ही की हाला, ये बड़ी भाभी की बहन आई होंगी ना, तो कहते आप ही की हाला लेके गई। वो असल में गांव में रहते हैं ना, तो उनको फिर इस तरह की चीजें जो है वो जरा जल्दी मुयसर आ जाती हैं। आज तो मजा आ गया जी, मूली वाले पराठे और साथ आ गया साग और वो भी मक्खन के साथ। मैं अभी याद ही कर रही थी साग को, तो साग आ गया माशाल्लाह। स्नैन आज रोटी खा लो। खाया तो आज स्कूल नहीं गए आप? पापा शादी पे गए, आपने दुकान पे बैठना। चलें जी, ये एक रोटी अभी हमें जो है ना वो मूली के बगैर पकानी पड़ी है साग के लिए। तो मैं कि पापा ये जो साग है ना ये ठंडा लग रहा है और भाभी ने ऊपर भेज दिया है, नहीं ये मक्खन मक्खन उतार के गर्म करो या के मिक्स कर लो, कटा के कर लो मिक्स कर लो, नहीं साग ऊपर पड़ा हुआ अच्छा लगता है। सही आए तो साग की वजह से हमारे नाश्ते का जो मजा है वो डबल हो गया। और शाहजेब को आज छुट्टी थी इसलिए शाहजेब जो आज हमारे साथ नाश्ता करेगा, मैं एक फातिमा भी हमारे साथ नाश्ता करेगी, मैं एक फातिमा बेचारी फंसी होती है रिकॉर्डिंग करने के लिए। साग खाओगे? चले जी अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हो गया और आग बड़ी अच्छी जल रही थी, तो मैंने कहा चाय भी इधर ही बना लेते हैं। और वैसे भी लकड़ियों पे बनी हुई चाय का मज़ा ही अलग होता है। आज हमारा जो ना प्योर देसी नाश्ता हो गया माशाल्लाह।
इकबाल साहब ने मूलियां लगाई हैं तो शहजेब आके और बीज अंदर गिरा के चला गया था, जिसकी वजह से एक एक बोतल में कोई 10-10 पौधे हो गए। एक बोतल में तो एक ही काफी होगा ना। ये देखो ना, ये मूली का पौधा ना, ये बीज से निकला है। कितनी लंबी है ये? नीचे मूली बन रही है। हाँ तो मूली बननी है ना, जब जड़ लंबी होगी तो इसी ने मूली बननी है। हाँ। सुभान अल्लाह। एक एक बोतल में अब एक ही किरण है। हाँ जी, एक बोतल में एक ही मूली उग गई तो बड़ी बात है। वाल साहब और शहजेब चले गए जी कमरे में, तो अभी मुझे चाय जो है ना उनके पीछे लेके जानी पड़ेगी। अभी मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ अब धूप आना शुरू हो गया और धूप में फिर चाय पीने का मजा नहीं आता। शहजेब इतना शौक से चाय नहीं पीता, महक और अभ्यास है दर्जे में, वो चाय के पीछे पड़ जाते हैं। तो अभी जी इकबाल साहब चाय पियेंगे और मैं भी इकबाल साहब को कंपनी दूंगी और आप हमें दीजिए इजाजत इंशाल्लाह। मुलाकात होगी जी फिर किसी और जैसे भी लोग में। दुआ में याद रखिएगा जी, अपना भी रखिएगा। बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।